अनुसूचित जाति सेल के प्रमुख डॉक्टर नितिन राउत, इनके नेतृत्व में दिल्ली में एक जो घटना घटी, उस घटना के खिलाफ में आंदोलन किया जा रहा है। दिल्ली की जो घटना है, एक बड़ी छोटी सी 9 साल की बच्ची के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, ये बहुत ही दर्दनाक है, दुखद है और इसका हम निषेध करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो कांग्रेस की ओर से नितिन राउत जी के नेतृत्व में वहाँ पर आज धरना आंदोलन हुआ है, ये केवल ढोंग है, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा घटनाएं ये महाराष्ट्र में हो रही है। उसमें की किसी भी घटना के घटनास्थल पर डॉक्टर नितिन राउत नहीं गए, उनकी सरकार महाराष्ट्र में वहाँ पर जाकर किसी परिवार को नहीं मिले, उन्होंने उस परिवार की आवाज़ को नहीं उठाया, अपनी सरकार के खिलाफ एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया। तो आप उत्तर प्रदेश में जाकर आंदोलन करते हो, दिल्ली में जाकर आंदोलन करते हो, और आपके नाक के नीचे महाराष्ट्र के अंदर दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, विशेष रूप से दलित हमारे बच्चे जो है, बच्चियां जो है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं को जलाया जा रहा है। राजनीति के लिए दिल्ली में जाकर इस प्रकार का आंदोलन करना, ये पूरी राजनीति है, और इस प्रकार से ऐसी घटनाओं में भी राजनीति करना, हम इसका निषेध करते हैं। आप आज हम पे एलिगेशन लगाते हैं दलितों का, दलितों के नितिन रावत के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं आप। आप भूल गए हाथरस कांड, आप भूल गए ऊना कांड, आप भूल गए उन्नाव कांड। आपके विधायक ने रेप किया, आप लोगों ने केस दर्ज नहीं कराया। हम केस कब दर्ज होता है? जब हाईकोर्ट का ऑर्डर आता है। आप खामोश रहते हैं उन, तब आपको दलितों की याद नहीं आई। आज दलितों के आप मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्नाव कांड को कोई भूल सकता है क्या? हाथरस कांड को जब रात के अंधेरे में जला दिया जाता है, उस दलित के बेटी को कोई भूल सकता है क्या? आप झूठ की राजनीति करते हैं, इसलिए आप पनप नहीं पाएंगे यहाँ पे। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।